Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ वर्कआउट्स, जिन वर्कआउट से मुझे अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी. एंड यू डोंट बिलीव के मैं हर रोज वो वर्कआउट्स फॉलो करती थी. नो एक्सक्यूजेस एंड नो सेटबैक्स. मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था. एक टाइम था जब ये वर्कआउट्स करने के लिए सांस फूल जाती थी एंड आई जस्ट फेल्ट टू मच एग्जॉस्टेड. बट मैं हमेशा लगी रहती थी, कभी छोड़ती थी नहीं. सो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, तो आपको करना है. एंड जितना भी आप कर सको, मैं रोज 15 मिनट से स्टार्ट किया था. 15 मिनट्स वर्कआउट करती थी दिन में हर रोज. ऐसे मैंने लगातार एक महीने, दो महीने, तीन महीने, नाउ आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत कम समय में कर पाती थी. बट हर रोज करती थी, कभी स्किप नहीं करती थी. तो या आपको भी ऐसा ही करना है, आपको बस एक रूटीन बना लेना है और उसके हिसाब से आपको रोज ये वर्कआउट्स करते जाना है. शुरू शुरू में इफ यू आर अ बिगिनर, तो आपको ऐसा वैसा कुछ वैसा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आप ट्राई मत कीजिए. बहुत सिंपल कुछ वर्कआउट्स है, बॉडी वेट वर्कआउट्स है, जिन्हें करने के लिए आपको सिर्फ अपनी बॉडी की जरूरत है और किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है. तो आई होप कि आप ये अच्छे से करोगे. एंड या दैट्स ऑल. एंड आप करते रहिए और कितना कम होगा ये मैं नहीं कह सकती, पर जरूर कम होगा ये मैं आपको गारंटी जरूर दे सकती हूँ. तो या आप अच्छे से देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ. एंड हर एक वर्कआउट आपको 30 सेकेंड तक करना है शुरू शुरू में, और रेस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पर ध्यान रहे वो आप वर्कआउट के टाइम से आपका रेस्ट टाइम ज्यादा नहीं होनी चाहिए. मतलब आप 30 सेकेंड वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी रेस्ट टाइम 15 या 20 सेकेंड से ज्यादा होनी नहीं चाहिए. तो अगर आपको शुरू शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बढ़ा लीजिए अपनी रेस्ट टाइम, पर कोशिश कीजिए कि मैंने जैसे कहा वैसे करने की. रेस्ट टाइम को अपने वर्कआउट टाइम से कम रखिए. दैट्स ऑल, लेट्स जस्ट स्मैश इट. नंबर वन, स्क्वाट. आपके जो घुटने हैं वो आपके टोस के आगे नहीं जाना चाहिए. ध्यान से देखिए और अपने बैक और कोर को टाइट रखिए. ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसा करना है, जस्ट लाइक दैट. आप जब नीचे जा रहे हो तो सांस को अंदर खींचो, और जब ऊपर जाके खड़े हो रहे हो तो सांस को बाहर निकालो. ऐसे करें. ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ठीक से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट नहीं करोगे तो फायदा आधे से भी आधा हो जाएगा. तो मुझे फॉलो कीजिए और ठीक से देखिए. Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. करने के लिए हमें अच्छा खासा बॉडी बैलेंस होना जरूरी है. जब आप शुरू शुरू में करने जाओगे तो आप खुद समझ जाओगे. शुरू शुरू में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी लंज करने में. कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट. आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और शुरू कीजिए. अपने एक पैर को आगे रखिए और दूसरे पैर को पीछे स्ट्रेच कर दीजिए. और जो टिप मैंने पहले बताई थी कि आपके घुटने आपके टोस के आगे नहीं जाना चाहिए, अगर जा रहा है
तो इसका मतलब है यू आर डूइंग द थिंग रॉन्ग. जस्ट लेट्स स्टार्ट इट. जितना हो सके आप नीचे जाओ और फिर नीचे जाने के वक्त आप अपने जो स्पीड है उसे कम रखिए और जब उठ रहे हो तो स्पीड को बढ़ा दीजिए. तो यही असली टेक्निक है. एंड सांस छोड़ने और लेने का भी वही टेक्निक है जैसे मैंने बताई थी स्क्वाट के समय, कि आप जब नीचे जा रहे हो तो सांस को अंदर लो एंड जब ऊपर उठ रहे हो तो सांस को बाहर निकालो. और ऐसा करके आपको दोनों पैरों में अलग अलग से करनी है, क्योंकि एक पैर से करोगे तो एक पैर का ही काम होगा, दूसरे पैर का नहीं. सो Let's train another leg. Oh, let me up with a bright smile on now. To me in the door, to won't get lost now. To the moon. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लंजेस कैसे करते हैं. तो ये रहा मेरी सेकेंड वर्कआउट. नंबर थ्री पर है बहुत इंपॉर्टेंट वन, वो है प्लैंक. प्लैंक आप सभी को पता है कैसे करना है, पर ऐसा हम सोचते हैं. असल में प्लैंक करना बहुत सारे लोगों को नहीं आता. प्लैंक का पोस्चर एवरी एक्सरसाइज में, ईच एक्सरसाइज में पोस्चर बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस. आप पोस्चर को जरूर फॉलो करें. एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सरसाइज, सो कीप इट इन माइंड. ओके, कुछ बातें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ प्लैंक करने के वक्त, तो फॉलो कीजिए वन मिनट. प्लैंक की वेरिएशंस बहुत सारे हैं. अभी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो नॉर्मल प्लैंक है, जो मादर प्लैंक है, वही करना है. उसके लिए आप हाथ को अपने ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे स्ट्रेट करके, और आप ऐसे भी रख सकते हो. आपके ऊपर है आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है. पहले तो मैं शुरुआत में ऐसे करती थी, मुझे ये ज्यादा ज्यादा सपोर्ट मिलता था कोर को, तो मैं कर पाती थी. ऐसे करके तो मैं कर ही नहीं पाती थी. तो आप देखो आप कौन सा कर सकते हो, मैं दोनों ही करके आपको दिखाती हूँ. फर्स्ट तो ये है, अपने हाथ को स्ट्रेट रखिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे स्ट्रेट रखिए. एंड हमेशा ध्यान रहे आपका जो कोर है वो टाइट कर लीजिए, अंदर से खींच लीजिए ऐसे करके, और अपने बट को अंदर खींचिए. आपको ऐसे नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा गलत है. हमेशा ध्यान रखिए, ये प्लैंक करने का सबसे गलत तरीका है. एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको ऐसे. धीरे धीरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए. और दिस सेकेंड वे जो मैं कह रही थी वो है अपने एल्बो के ऊपर आप अपने शरीर का भार डाल दीजिए. आप चाहो तो अपने पैर को ऐसे फैला भी सकते हो, उससे हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है. तो मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही करूंगी. आप हाथ को ऐसा भी रख सकते हो और ऐसा भी रख सकते हो, आपके ऊपर है.
अपने कोर और बट को हमेशा खींच के रखिए अंदर से, वो ऐसा होने नहीं चाहिए। और सांस लेते और छोड़ते रहिए, सांस को अटक कर मत रखना। सॉरी, let me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you, Maria, right now. You look into my eyes and fell. तो ये रहा प्लान। It was on number three. Number four. जिसे मैं बहुत 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 ज्यादा करती थी वो है क्रंचेस। अब क्रंचेस की बात है, आपको सीटअप और क्रंचेस में कुछ डिफरेंसेस हैं। सीटअप में आप पूरा उठ जाते हो, बॉडी को अपने पूरा उठा देते हो, और क्रंचेस में आपको सिर्फ मिडल तक उठना होता है, जिससे कि आपके बैक पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। और आपको अगर लोअर बैक पेन है और अपने कमर पर कोई चोट है, कुछ भी है, तो उससे आपको क्रंचेस में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। एंड अपने कोर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्रंच करना। मैं अभी भी करती हूँ, इट्स अ वेरी नाइस वन। सो आप देखिए एंड सीख लीजिए कैसे करना है। अपने घुटने को ऐसे मोड़ कर रखिए, और आप चाहो तो अपने हाथ को अपने सिर के पीछे भी रख सकते हो ऐसे करके। आप चाहो तो अपने हाथ को ऐसे करके भी रख सकते हो। आप देख लो कौन सा टेक्निक आपके लिए कंफर्टेबल रहता है। बस इतना ही उठना है आपको, इससे ज्यादा नहीं उठना है। आपको सिर्फ यहाँ तक प्रेशर डालनी है, जिससे कि कोर पर प्रेशर पड़े। इससे ज्यादा उठने की कोशिश करोगे तो आपको लोअर बैक पेन एंड बैक में भी चोट लग सकती है। सो डोंट ट्राई दिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आप जब उठते हो तो सांस को छोड़ो, एंड जब लेट रहे हो तो सांस लो। हमेशा याद रखना, हर वर्कआउट में जो डिफिकल्ट पार्ट होता है, हमें वहां पर जाके अपना सांस छोड़ना होता है, एंड जो इजी पार्ट होता है वहां पे सांस लेनी होती है। ओके, light me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you, Maria, right now. You look into my eyes and fell in love. That was crunches. I hope ki aap samajh gaye hoge kaise theek thaak se crunch karni hai. And the next and last workout for today is हिल टचेस, जो मैं मेरी बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, और फिर भी मैं आज वो सारी वर्कआउट्स दिखा रही हूँ जो मैं अपने वेट लॉस के दौरान बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ। मतलब रोज करती थी, डेली करती थी, और मेरा ये मानना है कि वही वर्कआउट्स आज मुझे यहाँ पर ले आए हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दिस एक्सरसाइजेस। सो या लुक एट इट, आपको ऐसे लेट जाना है, एंड देन अपने दोनों हिल को अपने हाथों से ऑल्टरनेटिवली टच करना है, बिल्कुल इसी तरह। एक बार इस तरफ एंड देन इस तरफ। आप एक कोशिश कीजिए कि ज्यादा तेजी से, ज्यादा स्पीड के साथ मत कीजिए, उससे असर कम हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब आपकी एक्सरसाइज में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से ज्यादा। रेप ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर जितना भी आप कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए।
आपके जो साइड बेली है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पहले पहले तो एक खींच सा रहेगा, पर याद रखना ये जो सोर होते हैं ना वर्कआउट करने से, सोर मतलब जो वर्कआउट करने के बाद अगर आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे पेन हो रहा है, हो रही है, सॉरी देयर विल बी एंड आपको मसल पेन हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि वो मसल आप मतलब वर्कआउट आप पर काम कर गया, समझे ना। डर मत जाना वर्कआउट के बाद अगर कोई पेन हुआ तो, ये एक पॉजिटिव साइन है, तो इससे खुश हुआ करो कि वर्कआउट काम कर रहा है, असर कर रही है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड या तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, इफ इट्स पॉसिबल तो मैं जरूर कोशिश करूंगी वो करने की। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।